सो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दोस्तों, अभी हाल ही में यहाँ पर Redmi की Note 11 सीरीज लॉन्च की गई थी इंडिया में, जहाँ पर हमें Redmi का Note 11 और Redmi Note 11 S स्मार्टफोन लॉन्च होते हुए देखने को मिले। लेकिन गाइस, ग्लोबल मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पर Redmi का Note 11 Pro 4G और इसके अलावा Redmi Note 11 Pro 5G ये दोनों स्मार्टफोन भी लॉन्च किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi की तरफ से आने वाले एक और स्मार्टफोन के बारे में, और इस स्मार्टफोन का नाम है यहाँ पर Redmi Note 11 E Pro 5G। ये स्मार्टफोन भी यहाँ पर Redmi Note 11 सीरीज का ही एक हिस्सा होने वाला है, जिसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह सामने आ चुकी हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस स्मार्टफोन को लेकर के डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर Redmi Note 11 E Pro स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड हैं, तो एक बार इस वीडियो को चेकआउट जरूर कीजिएगा। साथ ही में वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल को ऑल आइकन पर जरूर से क्लिक कर सकते हैं, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज की नोटिफिकेशंस को आप मिस ना कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और आपको ये गेस करना है कि ये स्मार्टफोन आपको कौन से स्मार्टफोन की तरह देखने को मिलने वाला है। पहले बात कर लेते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन लुक्स के मामले में बिल्कुल भी यहाँ पर Redmi Note 11 Pro 5G की तरह ही होने वाला है, जहाँ पर आपको फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ ग्लास बिल्ड देखने को मिलने वाला है, जिसका मतलब कि फुल्ली ग्लास बिल्ड पर बना होगा स्मार्टफोन। तो ये काफी अच्छी बात होने वाली है, बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाएगी। बात कर लेते हैं फोन के डिजाइन की। तो स्मार्टफोन के अंदर भी आपको यहाँ पर बैक साइड में रेक्टेंगुलर डिजाइनिंग के साथ में तीन कैमरा मिल जाएंगे, LED फ्लैश होगा, और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर Redmi की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और जहाँ तक बात है सामने की, तो सामने भी आपको यहाँ पर पंच होल कटआउट सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, पतली से चिन पतले से बीजल्स आपको मिल जाएंगे, और जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पर कुछ बॉक्सर तरीके का ही देखने को मिलने वाला है। तो देखा जाए तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी दोनों ही आपको काफी अच्छे मिलने वाले हैं। इसी के साथ में बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं फोन के बाकी फीचर्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले की। तो दोस्तों, फोन के अंदर आपको यहां पर मिलने वाली है 6.67 इंचेस की फुल HD सुपर AMOLED की पैनल, जहां पर आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो और लगभग 400 PPI डेंसिटी का सपोर्ट मिल जाएगा। और साथ ही में पॉसिबली आपको यहां पर HDR10 का सर्टिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और वाइट वाइन L1 का सर्टिफिकेशन आपको यहां पर कंफर्म तौर पर देखने को मिल जाएगा। तो कंटेंट वगैरह वॉच करने के लिए आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले देखने को मिलेगी वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। और वैसे यार, डायरेक्ट सनलाइट की बात करें तो आपको यहाँ पर 1200 नीट्स की ब्राइटनेस मिलने वाली है। तो देखा जाए तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट में फ़ोन इस्तेमाल करने में भी शिकायत नहीं आएगी। और इसी के साथ में अगर बात कर ले फ़ोन के रिफ्रेश रेट की, तो फ़ोन के अंदर आपको मिलने वाली है 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट, और साथ ही में आपको मिल जाएगी 360 हर्ट्ज़ की टच सैम्पलिंग रेट। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो डिस्प्ले होने वाली है वो बिल्कुल भी आपको यहाँ पर Redmi Note 11 Pro 5G की तरह ही देखने को मिलेगी। तो डिस्प्ले के मामले में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। और इस फोन के बैक में लगे हुए यहाँ पर तीन कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा मिल जाएगा 108 मेगापिक्सल का, जो कि दोस्तों सैमसंग की तरफ से आने वाला HM2 का सेंसर है। साथ ही में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर मैक्रो सेंसर मिलेगा। सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेंसर आपको दिया जाएगा सेल्फी के लिए। तो ओवरऑल यहाँ पर जो कैमरा सेटअप है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अभी रिसेंटली यहाँ पर Qualcomm Snapdragon की तरफ से जितने भी चिपसेट लॉन्च किए गए, वहाँ पर हमें एक लिमिटेशन देखने को मिलती है कि फ़ोन के अंदर हमें यहाँ पर मैक्सिमम 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है फुल HD पर। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आएगी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं फ़ोन के चिपसेट की। तो फ़ोन के अंदर दिया गया है Qualcomm Snapdragon 695 का 5G चिपसेट, जो कि बना है यहाँ पर 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर। और दोस्तों, काफ़ी कम नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ चिपसेट है, तो आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मिलता है। साथ ही में आपको यहाँ पर फ़ोन के अंदर परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और वैसे दोस्तों, नंबर्स पर मत जाइए, आप यहाँ पर इस चिपसेट को कंपेयर कर सकते हैं Qualcomm Snapdragon 765G से। तो देखा जाए तो परफॉर्मेंस के मामले में ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर बेटर ही देखने को मिलेगा। जहाँ तक बात है रॉ CPU की, तो 64-bit आर्किटेक्चर के साथ में आपको मिल जाते हैं यहाँ पर 8 कोर, जिसमें से 2 कोर दिए गए हैं 2.2 GHz पर Cortex A78 के, और बाकी के 6 कोर आपको मिल जाते हैं 1.7 GHz पर Cortex A55 के, जो कि आपके मीडियम टास्क और पावर एफिशिएंसी को मैनेज करते हैं। तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर 765G से बेटर देखने को मिलती है। साथ ही में अगर बात कर ले गेमिंग की, तो गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है Adreno 619 का GPU, जो कि ड्यूल कोर का GPU है, लेकिन आपको यहाँ पर गेमिंग काफ़ी अच्छी करा देता है। साथ ही में आपको यहाँ पर वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देगा। तो ओवरऑल जो चिपसेट है दोस्तों, काफ़ी पावरफुल है, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में शिकायत नहीं आएगी।
लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए फोन के रैम और स्टोरेज की, तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा रैम स्टोरेज के साथ में लॉन्च किया जाने वाला है, जहां पर आपको 6, 8, 12 और 16GB तक की रैम देखने को मिलने वाली है और रैम की क्वालिटी होगी LPDDR4X। साथ ही में आपको यहाँ पर 128, 256 और 512GB की इनबिल्ट मेमोरी देखने को मिलने वाली है और यहाँ पर स्टोरेज की क्वालिटी होने वाली है UFS 2.2। और जैसे कि लीक्स आ रहे हैं कि फोन के अंदर आपको यहाँ पर 3GB की वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है, तो देखा जाए तो यहाँ पर जो रैम और स्टोरेज का मॉड्यूल है वो आपको अच्छा मिल जाता है। और साथ ही में फोन के बैक साइड में आपको मिलने वाली है 5000mAh की बैटरी, तो देखा जाए तो आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफी आराम से मिल जाएगा। में चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाएगी, तो बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिल जाता है। और वहीं पर अगर बात कर ले फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में, तो फोन के अंदर आपको यहाँ पर साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है। हालांकि आपको यहाँ पर एमोलेड पैनल दिया गया है, लेकिन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ही आपको मिलेगा। फेस अनलॉक जैसे फीचर्स मिल जाएंगे, साथ ही में 3.5mm वाला जैक मिल जाएगा और ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि फोन के अंदर आपको यहाँ पर कोई भी कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर हो सकता है। इसके अलावा रेडमी का स्मार्टफोन है, तो आपको यहाँ पर IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही में NFC का सपोर्ट होने वाला है, तो यहाँ पर भी आपको कोई भी खास शिकायत देखने को नहीं मिलती। चलिए जान लेते हैं अब यहाँ पर फोन के OS के बारे में। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन लॉन्च किया जाने वाला है Android 11 बेस्ड MIUI 13 पर। तो देखा जाए तो आपको यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो पहले के मुकाबले में अच्छा मिलने वाला है। सॉफ्टवेयर के मामले में भी आपको यहाँ पर कोई भी खास दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फोन की लॉन्च डेट और साथ ही फोन की प्राइसिंग के बारे में। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये यहाँ पर Redmi Note 11 Pro 5G का ही एक रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा चाइना के अंदर लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद ही दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में काफी ज्यादा चांसेस है कि पोको की ब्रांडिंग के साथ में देखने को मिल सकता है। मे बी दोस्तों ये यहाँ पर पोको का X4 स्मार्टफोन हो सकता है। और जहां तक बात है स्मार्टफोन की प्राइसिंग की दोस्तों, तो गाइस अगर ये स्मार्टफोन पोको की ब्रांडिंग के साथ में इंडिया में लॉन्च किया जाता है तो ये स्मार्टफोन हमें 120,000 रुपीस की प्राइस पर ही मिलेगा। लेकिन अगर स्मार्टफोन रेडमी की ब्रांडिंग के साथ में ही लॉन्च किया जाता है तो स्मार्टफोन की प्राइसिंग हमें यहाँ पर 20,000 रुपये के ऊपर देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों Redmi Note 11 Pro 5G इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 6 और 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में लॉन्च किया गया था अराउंड यहां पर 24,000 रुपये की प्राइस पर। तो दोस्तों यहां पर ये जो स्मार्टफोन है ये भी हमें लगभग इसी प्राइस के आसपास में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इस स्मार्टफोन को पोको की ब्रांडिंग के साथ में लॉन्च किया जाता है तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पोको के जो स्मार्टफोन होते हैं वो हमें अग्रेसिव प्राइसिंग के साथ में मिलते हैं, तो ऐसे में स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग होगी वो हमें 120,000 रुपीस के आसपास में देखने को मिल सकती है। ऐसे देखा जाए तो इस स्मार्टफोन की कोई भी खास जरूरत नहीं है, क्योंकि Redmi Note 11 Pro 5G ये स्मार्टफोन तो इंडिया के अंदर लॉन्च होना ही है, तो ऐसे में स्मार्टफोन को लॉन्च करने का कोई मतलब तो नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये हमें इंडिया में बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। वैसे आपकी इस स्मार्टफोन को लेकर के क्या राय है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं जरूर से जानना चाहता हूं यार कि आप स्मार्टफोन को लेकर के क्या सोचते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल को ऑल आइकन पर जरूर से क्लिक कर सकते हैं, ताकि ऐसी और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को आप मिस ना कर दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।